हाय फ्रेंड्स, शो मेयर। सो फाइनली कॉम्पिटिशन दिन आ गया। थोड़ा नर्वस हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ। देखते हैं आज क्या होता है। एक अच्छा है कि साथ में श्रवण भी आ गया। कॉन्फिडेंस के लिए मेरे को तेरा चश्मा दे दे तो लोगों को लगेगा बहुत एक्साइटेड है बंदा। वैसे हूँ मैं एक्साइटेड। वैसे चश्मा कैसे लग रहा मेरे को बता दो। ढापा मैंने श्रवण से, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। छावा श्रवण नहीं दिखता है, उसको ही दे देता हूँ वापस। अच्छा हुआ श्रवण गाड़ी लेके आया, नहीं तो फुकट में ऑटो से जाना पड़ता, पैसा खर्चा हो जाता मेरा। ऐसे भी गरीब आदमी। पीने के लिए क्या लिया मैंने, गेट टू रेट लिया। खाने के लिए क्या है मेरे पास, योगा बार, शायद और भी कुछ है मेरे पास पीने के लिए, देख लेते हैं। नारे पानी। चलो फाइनली सब कुछ हो गया है, चलो निकलते हैं। चलो बाय, मिलते हैं आगे। सो फाइनली हम लोग आ गए कॉम्पिटिशन के प्लेस पे। थोड़ा नर्वस हूँ बिकॉज एज लिमिट नहीं है, ओपन एज कॉम्पिटिशन है। देखते हैं कैसा जाता है, लेट्स सी, अच्छा जाए। कुछ नहीं, मेडल निकालेंगे वहाँ पे। ट्राई पूरा करूँगा, मैं मेरा पूरा बेस्ट दूंगा। वेट चेक हो गया 61.40 है। वेट चेक हो गया तो सोचा थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, बहुत जोश नहीं लगा। ऐसे सांड सांड लोग आए ना जो 50 साल के और मेरी कैटेगरी में खेल रहे हैं। बट देखते हैं, मजा आएगा, कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे को। आयो सात बजे बुलाया था और अभी 10 बज रहा है, अभी भी नहीं पता कितना बजे वो लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये चैलेंज है सादा जिम में वर्कआउट करने को और आके कोई कंपटीशन में लिफ्ट करने को। ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, कितना मील कैरी करना है। तो ये सब चैलेंज लेने में अच्छा लगता है और एक चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलता है। सो हम लोग मज़ा आ रहा है, देखते हैं अभी कितना बजे, 12 एक बजे तक चालू हो जाएगा। सो फाइनली हम लोग का वार्म अप चालू हो गया है। हम लोग को फर्स्ट अटैम्प्ट डिसाइड करने को बोला है कितना लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ 160 लेने का, बिकॉज थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इस मेरा पहला अटैम्प्ट अच्छा गया। देखो क्या लगता है, 160 लेना अभी वही बेटर रहेगा ना। उसमें क्या मेरे को कॉन्फिडेंस भी है तो मैं उठा सकता हूँ। उसके बाद फिर तू कैसे, फर्स्ट अटैम्प्ट तो मेन कॉन्फिडेंस वाला रहता है, उसके बाद फिर तू उठा सकता है, लाइक तेरे ऊपर है जंप कितना लेना। सो ठीक है, फिर मैं पहला अटैम्प्ट 160 ले रहा हूँ, सी क्या होता है। कैसे भी लो रहा शिव, नर्वस हो रहा हूँ बिकॉज मेरे सभी अपोनेंट ने ना 180-200 फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए दिखाया है, मैंने 160 किया। बट ठीक है, बिकॉज मैं मेरा बेस्ट देने आया हूँ, मेरा PR 170 लोगों को कंप्लीट, सब लोगों के सामने मैं मेरा 170 में लिफ्ट कर सकता हूँ, लोगों के देखने आया हूँ। क्योंकि मेरी कैटेगरी में सब लोग लाइक 20 के ऊपर ही है, 20, 22, 25, मैं मेरा बेस्ट देके जाऊँगा।
फोकस ब्रो चलो 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 कम ऑन भाई कितना कितना डिसाइड किया था अपन ने 175 जाने का सोचा था और हम लोग 185 लिफ्ट करके आए हो मैं लाइक पहला हम लोग अटेम्प्ट किया मैंने और मेरे को नहीं लगा था मैं सोचा था 170 लिफ्ट करके इनफ कर दूंगा लेकिन वहाँ पे जब देखा तो सब लोग लाइक 25 साल के साल थे तो सब लोग 185 लिफ्ट कर रहे थे तो श्रवण मेरे को बोला कि 180 अटेम्प्ट कर तो मैं बोला भाई इफ अगर हम मैं कर ही रहा हूँ अटेम्प्ट तो मैं 180 पे जाता हूँ ना अगर उठा दिया मैंने तो मेरे को थर्ड प्लेस तो मिल ही जाएगा ना और मैंने मेरी मम्मी की दुआ की वजह से मैंने सीरियसली 185 मैंने समझ के जैसा मारा है आप लोग वीडियो में देखोगे यूट्यूब मेरा प्लीज़ देखो वीडियो थोड़ा मेरे को मोटिवेट करते रहो थैंक यू एपिक ब्रो एपिक ओके सो नाउ कम 66 केजी कैटेगरी थर्ड प्लेस गोज टू मिस्टर शिवम कनौजिया रिप्रेजेंटिंग नेक्स्ट लेवल फिटनेस ही लिफ्टेड 185 केजी एट 61.4 केजी We go big. बहुत खुश हूँ लाइक मैंने सोचा नहीं था मैं 185 लिफ्ट कर दूंगा लाइक मैं माइंडसेट ही बना के आया था 175 इनफ है मेरे को लेकिन श्रवण की वजह से थैंक्स श्रवण भाई अरे बस क्या मोटिवेटिंग में तेरा विल पावर इतना था भाई We go big. Bye. Thank you. Oh,